तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सोलर पैनल मॉड्यूल का, जो मुझे लूम सोलर की तरफ से भेजा गया है। ये मोनोक्रिस्टल आयन है, जो कि पॉलीक्रिस्टल आयन से अच्छा होता है। 50 वाट का मॉड्यूल है, इसका वजन 4 किलो है इसके पैकेज का, और 25 साल की वारंटी है इसमें। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, ये भारतीय कंपनी है, लूम सोलर सर्टिफाइड कंपनी। तो चलो हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये पीछे साइड का निकल रहा है, तो इसको निकाल कर देख लेते। जो इसकी बॉडी है पूरी एल्युमिनियम की बनी हुई है, साइडों में जो फ्रेम पूरा चढ़ा हुआ है एल्युमिनियम का है, जो आगे जो ग्लास पैनल है वो भी काफ़ी मजबूत है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इसके पीछे इस तरीके से लोगो दिया है हुआ है लूम सोलर का पूरा, और कुछ पेपर वर्क है, और इसका वारंटी कार्ड भी पीछे ही चिपकाया हुआ है। और फ्रेंड, जो लूम सोलर कंपनी है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है पूरी तरीके से, और अच्छी फेमस कंपनी है। इसके काफ़ी सोलर पैनल बाज़ार में बिकते हैं, तो उसके बड़े पे पैनल भी आते हैं। तो इसके राइट साइड में लूम सोलर की ब्रांडिंग दी हुई है, देख सकते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में ये QR कोड दिया गया है। और सामने से देखती है इस तरीके से लुक देखता है, काफ़ी बड़ा पैनल है 50 वाट का, जो कि बहुत अच्छा है। ये ब्लैक कलर का था, जिसमें बीच में डायमंड कट बने होते हैं। और ये इसका वारंटी कार्ड है, ये देख सकते हैं आप, 25 साल की वारंटी देता है। और ये सी कुछ स्पेसिफिकेशन है, और आप इसे पॉज करके देखेंगे, क्योंकि मैं आज आपको इसके आने वाले वीडियो में दिखाऊँगा चेक कर कर इसके कनेक्शन अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि गर्मी आने वाली है मैंने सोचा इस तरीके का वीडियो आपको बना दूं, क्योंकि 50 वाट के पैनल से चलने वाले कई सोलर कूलर भी आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ी अच्छी तेज़ चलते हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मी आ रही है तो इस तरीके का आपको वीडियो बना कर दे दूँ, इसका रिव्यू भी दे दूँ, तो आपके काम आएगा। उसमें कनेक्शन अच्छी तरीके से आपको कर लेना है, मैंने थोड़े जल्दी जल्दी करे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी जल्दी बनाना है, ये लंबी हो जाएगी वीडियो, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरे तरीके से इसे चेक करके दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। तो चलो इसे चेक कर लेते हैं। इस वक्त मैं अपनी छत पर पहुंच चुका हूं, और ये सोलर पैनल मैं इसमें तार लगा दिए हैं, तो ये देख सकते हैं इसमें तार लगा दिए हैं। तो इसका मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, कितना वोल्टेज निकाल रहा है ये। तो वोल्ट मीटर, अभी थोड़ी धूप ठीक ठाक है, लेकिन क्लाउडी मौसम है, बार बार बहुत धूप जा रही है, और कल परसों बारिश हो गई थी, इस वजह से धूप जा रही है आ रही है, ऐसे चल रहा है, वो कम ज़्यादा हो रही है। तो उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कितना वोल्टेज दे रहा है ये। और ये 21 वोल्ट निकाल रहा है, लगभग 22 वोल्ट निकाल रहा है, 21.878, तो काफ़ी अच्छा है, आउट सर्किट में ये निकाल रहा है। और अगर बैटरी चार्ज करनी है तो कंट्रोलर, सोलर कंट्रोलर आता है, इससे कर सकते हैं। और इसके एम्पियर भी चेक कर लेते हैं, अभी देखते हैं। अब मैंने जब वोल्टेज चेक करा था धूप काफ़ी तेज़ थी, अब धूप चली गई है, इसके एम्पियर देखें कितने निकाल रहा है। ये बिना धूप के भी आप देख सकते हैं 1.12 एम्पियर निकाल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। इसे पंखा भी चेक कर लेते हैं, DC फैन है, काफ़ी हैवी फैन है, जिससे डायरेक्ट चला रहा हूँ, डायरेक्ट लोड चला रहा हूँ इससे, ये देख सकते हैं अब डायरेक्ट मैंने लगा दिया है आराम से, काफ़ी तेज़ पंखा चल रहा है, आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज देखो घूमती दिख रही है, कैमरे की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, कैमरा से ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ब्लेड घूम नहीं रही है, पंखा काफ़ी तेज़ चल रहा है, ये देख सकते हैं। मैंने इसमें डायरेक्ट, तो इससे चलने वाले कूलर भी काफ़ी आते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, तो आप इसे दुकान में लगा सकते हैं, अगर बिजली कट होती है तो आप इससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं अपनी। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया मॉड्यूल मुझे लगा है ये, तो आपको भी इसमें चेक करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक इसका।